थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सबसे पहले तो मैं आप लोगों को मिलाना चाहूंगा uh, अद्वैत से अद्वैत जो है ये सीक्रेट सुपरस्टार के राइटर और डायरेक्टर हैं और आकाश से आकाश इज फ्रॉम जी स्टूडियो सिट सिट तो uh, आप लोग हमेशा कंप्लेन करते हैं ज्योति यू कीप कंप्लेनिंग ऑल द टाइम के दो साल के बाद आपकी फिल्म आती है बस हाँ बस हाँ आप लोग कंप्लेन करते हैं कि दो साल के बाद मेरी फिल्म आती है तीन साल के बाद आती है तो अब फॉर अ चेंज विद इन एट मंथ्स मेरी फिल्म आने वाली है तो आई होप यू ऑल सेटिस्फाइड अबाउट दैट एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम वेरी हैप्पी मैम आई एम वेरी हैप्पी के uh, ये फिल्म हमें करने का मौका मिला है uh, एंड वी हैप्पी टू टॉक टू अबाउट दिस लिटिल एडवेंचर ऑफ आज आप सर किस किरदार में आने वाले हैं क्योंकि लाइक और टेस्ट चेंज करो वगैरह देख कर <laughs> मेरा बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है uh, इस फिल्म के अंदर uh, इस फिल्म का नाम है सीक्रेट सुपरस्टार जी और अगस्त में आ रही है अगले साल फोर्थ अगस्त को आ रही है uh, ये फिल्म अद्वैत ने लिखी है और डायरेक्ट की है आमिर खान प्रोडक्शन ने प्रोड्यूस की है और इसमें जो मेरा किरदार है दाल में जो तड़का होता है ना तड़का मेरा कैरेक्टर तड़का एक्चुअली दाल में और इस लुक के पीछे किसका आइडिया था जो आपने स्पेसिफिक लुक लिया था जिसकी तस्वीरें भी पिछले दिनों में एक दो जी हाँ जब मैं शूटिंग कर रहा था कहीं कहीं नज़र आया था मैं लेकिन ये लुक जो है ये तो सब अद्वैत जी ने क्रिएटिवली निकाला है मुझमें से <laughs> कि लुक क्या होनी चाहिए इंटरेस्टिंग लगी लुक आपको बहुत ही अलग रोल है मेरा ऐसा कोई रोल मैंने लाइफ में किया नहीं ऐसा सर एक और सवाल है कई कल से ही खबर चल रही है कि दंगल की सबसे बड़ी डील हुई है थोड़ा उसके ऊपर अगर आप लाइट डालते कि exactly, कैसी डील हुई भाई कि सैटेलाइट डील हुई है 75 करोड़ की उसके पीछे कितनी सच्चाई है एग्जैक्टली exactly क्या है एक्चुअली मैं पैसों की चीज़ें पब्लिकली बात करना अच्छा नहीं लगता नहीं मैं बताऊँ आपको फैक्ट बात कि ये सारी चीज़ें शोभा नहीं देती हमको पब्लिकली हम बात करें तो मैं करता नहीं ये सब चीज़ें थैंक यू Still Will you be hearing me sing? Yeah. Let's leave that. Let's leave that as a suspense. Well, as I was saying, uh, this, the story is essentially about this girl, 14-year-old girl and her mother and their relationship. So the, this, the uh, main story is about these two. But I am a very integral part of the film, a very important part of the film. And like I said, like I said Dal mein दाल में दाल पूरी पतीली दाल बनती है उसमें तड़का जो डालते हैं वो दाल के साइज का नहीं होता लेकिन तड़के के बगैर दाल का मजा नहीं आता so, द तड़का इन दाल दो एक से और एक आप से। जी। तो है अरे तो नहीं प्लीज तो आंसर कोई डॉन टाइप का हूँ क्या एक्चुअली गॉडफादर से कई ज्यादा है मेरे लिए वो नहीं।, 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 नहीं मैं बताता हूँ आमिर जी मेरे लिए क्या हैं वो एक्चुअली मेरे लिए स्कूल रहे हैं वो मेरे कॉलेज रहे हैं वो मेरे फिल्म स्कूल रहे हैं मेरा सपना था कि मैं कोई फिल्म स्कूल जाऊँ एफ टी आई में काफ़ी बार अप्लाई भी किया पर रिजेक्ट होते गया और फिर दस साल पहले मुझे आमिर सर के यहाँ नौकरी लगी एज एन इंटर्न प्रोडक्शन इंटर्न तारे ज़मीन पर तो दस साल से मुझे लगता है कि मैं फिल्म स्कूल जा रहा हूँ आमृतसकर मेरे लिए जीते जागते फिल्म स्कूल हैं जब उनके साथ काम करता था तो एडिटिंग देखने को मिली प्रोडक्शन देखने को मिला मार्केटिंग देखने को मिली वो कैसे परफॉर्म करते देखने को मिला वो कितनी मेहनत करते देखने को मिला तो गॉडफादर तो बहुत छोटी चीज़ है और कुछ लोगों को गॉडफादर मिल जाता है इंडस्ट्री में मुझे पूरा स्कूल मिला है और आई एम रियली ब्लेस्ड फॉर देट तो ही इज़ एक्चुअली माई फिल्म स्कूल इज माई फिल्म कॉलेज इज माई एजुकेशन उनके साथ इतना काम किया है मुझे पता है कि वो सिर्फ एक रीजन से हाँ बोलते हैं और वो है स्क्रीन प्ले मैं उनके साथ था जब उन्होंने पीके की स्क्रिप्ट सुनी जब उन्होंने धूम की स्क्रिप्ट सुनी जब उन्होंने दंगल की स्क्रिप्ट सुनी मैं उनके साथ था तो इन सब स्क्रिप्ट के बाद में वो सुनते थे

तो सबके सामने मैं वैसे रोते रहता हूँ लेकिन मुझे लगा कि यार थोड़ा कंपोज होके के आऊँ मैं तो मूव धोके मैं वापस आया मैंने बोला वेन डी वॉन्ट स्टार्ट द फिल्म आई वॉज वेरी कन्विंस्ड फ्रॉम द फर्स्ट नरेशन इट्सल्फ कि मुझे फिल्म करनी रोल ये जो है मुझे करना है कि नहीं करना मैं कन्विंस नहीं था फिल्म मुझे प्रोड्यूस करनी थी अद्वैत के साथ एस ए डायरेक्टर लेकिन जब अद्वैत ने कहा कि आप इसमें ये किरदार करिए तो मैं श्योर नहीं था क्योंकि ये किरदार मुझसे बहुत ज़्यादा अलग है बहुत ज़्यादा अलग है मुझसे और मैं नहीं चाह रहा था कि मैं इस फिल्म को डिस्टर्ब करूं किसी भी तरह तो मैंने अद्वैत से कहा कि मैं स्क्रीन टेस्ट दूंगा तो मैंने बाकायदा स्क्रीन टेस्ट दिया और स्क्रीन टेस्ट जब हम सब ने देखा हमको लगा कि हाँ मैं कैरेक्टर कर पाऊंगा। आई वॉज नॉट श्योर कि मैं ये कैरेक्टर कर पाऊंगा तो स्क्रीन टेस्ट किया हमने स्क्रीन टेस्ट के बाद देन वी डिसाइडेड आई डू द रोल Term that you When was I uh, मुझे तो अभी तक सुपरस्टार कोई नहीं बोलता भैया वो सिर्फ आप बोलते हैं नहीं सुपर स्टार मुझे कब बोला गया पहले मुझे याद नहीं आई डोंट रिमेम्बर इट्स नॉट समथिंग देट इज रजिस्टर्ड टू मी बट वॉट इज अ टर्म मीन वेल इट मीन समन हुज वेरी लव्ड बाई पीपल सम वन हुवरी वन लव समबडी वॉन्ट्स टू

जो बेटे हैं <coughs> उनको पैदा हुए हैं इन्हीं सालों में हमने देखा है कि किसी भी सुपर स्टार ने पिछले पंद्रह बीस सालों में बच्चों के टॉपिक में इतना इंटरेस्ट नहीं लिया बच्चों के ड्रीम्स के सब्जेक्ट में इतना इंटरेस्ट नहीं लिया तारे जमी पर फिर दंगल अब सीक्रेट सुपर स्टार क्या आजाद आपके बेटे आजाद का पैदा होना और आपके कुछ इमेजिनेशन में इन टर्म्स ऑफ फिल्म मेकिंग कुछ चेंज हुआ है डज इट है नो नो आई डोंट थिंक सो आज़ाद का असर मुझे अलग अलग तरीकों से हुआ है इसमें नहीं हुआ है आई आप बच्चों के सब्जेक्ट में बहुत एक्चुअली मुझे हर किस्म के सब्जेक्ट अच्छे लगते हैं और जब मुझे कहानी अच्छी लगती है स्क्रिप्ट अच्छी लगती है फिर वो बच्चों के बारे में हो या बड़ों के बारे में हो उस पर मैं ज्यादा सोचता नहीं हूँ वॉट जॉनर आई एम डूइंग आई डोंट प्री डिसाइड आई डोंट प्री डिसाइड कि मुझे बच्चों की फिल्म करनी है आई जस्ट लिसन टू द स्क्रिप्ट विद ओपन माइंड एंड इफ आई लाइक इट देन आई वॉन्ट टू डू इट सो इट्स अ कोइंसिडेंस डेट यू नो आईव डन थ्री फिल्म विच आर इन्वॉल्विंग चिल्ड्रेन इन वेरी इम्पोर्टेंट वे जीवैत जी जी uh, yeah, yeah, yeah. yeah. यानपेर ये जो मेरा गेटअप है अभी जो मैं हूँ ये तो अभी uh, हमारी जो फिल्म शूटिंग होने वाली है मार्च से शुरू होने वाली है थग्स ऑफ हिंदुस्तान उसकी प्रेपरेशन चल रही है मैं ये नहीं कह सकता कि ये उसका फाइनल लुक है क्योंकि जब हम मार्च से एक दो हफ्ता पहले जब हम फाइनलाइज़ करेंगे लुक तो उस वक्त लुक फाइनल होगा अभी मैं फेशियल हेयर और बाल में ऐसे ही ग्रो कर रहा हूँ और उस वक्त देखते हैं कि फाइनली क्या लुक होना चाहिए इट्स अ पीरियड फिल्म तो दैट्स वाई एम ग्रोइंग अ बियर्ड बिकॉज एट दैट टाइम शेव नहीं करते थे इतना तो अल्टीमेटली विक्टर uh, जो हमारे डायरेक्टर हैं वो क्या फैसला करते हैं लुक के लिए सी आपके साथ और और ठग्स 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 कौन कौन है ऑफ हिंदुस्तान <laughs> uh, में अमित जी हमारे साथ हैं एंड आई एम रियली थ्रिल्ड टू बी वर्किंग विद हिम ये मेरा सपना था बहुत सालों से कि मैं उनके साथ मुझे काम करने का मौका मिले और मैं बहुत ही खुश हूँ कि उनके साथ मैं मुझे काम करने का मौका मिल रहा है आदि uh, जी प्रोड्यूसर हैं विक्टर डायरेक्टर हैं और बाकी कास्ट अभी फाइनलाइज हो रही है इट्स नॉट येट अद्वैत Uh, secret superstars, it's a very बताना चाहूंगा कि जो पहले ये सुना वो आइडिया किरण ने सुना था और मेरे माइंड में ऐसे ही एक आइडिया आया था मैं अमृतसर और किरण नाम के साथ एक हॉलीडे पे गया था उनकी हॉलीडे पे और मुझे ये आइडिया आया था और ऐसे आइडियाज तो रोज आते रहते हैं बट यू नैवर एंड अप फिनिशिंग इट यू नो बिकॉज इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता <laughs> तो अगली सुबह मैंने एक आइडिया किरण को बताया था एंड किरण इज द वन हुकरेज मी फ्रॉम द आइडिया टू द स्क्रीन प्ले यू नो शी रियली हेल्प्ड मी सो आइडिया तो मुझे ऐसे ही एक आ गया था एक लड़की का जैसे गाना है बट किरण रियली हेल्प्ड मी टू फिनिश द स्क्रीन प्ले एंड टेक इट टू आमिरसर एंड अनफॉर्चुनेटली किरण इज बिजी टू डे एंड शी कु कम है बट आई एम रियली रियली मिसिंग है सो आइडिया तो ऐसे ही आ गया था बट जो इंस्पिरीशन थी और जिसने मुझे हेल्प किया थ्रू आउट एनकरेज किया टू राइट दिस इन टू असनर टीजर टीजर ऑफ दिसम्सोर बी गोइंग टू वन फेमस अखाड़ा इनपुर प्लान लाइक एंड एक्सपेक्ट देर well, uh, it's a very uh, historic akhada, and kolapur is very famous for uh, wrestling, as you know. so i'm very keen to go there. Yeah. Uh, the name of the akhada would be... Uh, i don't remember the names properly. also, one more thing. Uh, uh, you know, recently we heard a lot of news reports about uh, Dangal being uh, you know, planned to be dubbed in tamil, and you being uh, you approaching rajnikant for the same. is that true? is that not true? could you uh, just... well, uh, the film is being dubbed in tamil and telugu.

yeah, it was lovely meeting. any plans of ever collaborating with him? because his last hindi movie was with you, i believe. Uh, in yeah. 90s. was that the last one? yeah, the last hindi film that rajni did, if i'm not wrong. that's been years yeah, ago. That, that's yeah. what i don't think he's. Done. well, i, I think uh, rajni sir, whether he does a hindi film or a tamil film, we all watch his films in any case. <laughs> so we, i would love for him to do a hindi film, certainly. i would love for him to do a hindi film. and now i think robo is coming, na? Yeah. which will be dubbed in hindi also. Uh, so i'm looking forward to that. No, yeah. talking एक चीज जानना चाह रहा था मैं कि थ्री जब आपने की थी तो जो कैरेक्टर था उसमें कभी सोनम से मिले थे आप सोनम वांगचु से या किसे थ्री इडियट का जो करेक्टर किया था आपने फनसुब का तो कभी हाँ? सोनम वांगचु से मिले थे आप किसे, किसे? सोनम सोनम पता नहीं कौन है सोनम जो थ्री आपका ऐसा न्यूज आया था कि इंस्पायर था आपका कैरेक्टर फोन शुक जो आपका नहीं नहीं हमारा कैरेक्टर तो वो बुक थी ना व्हाट इज द राइटर्स नेम वो राइटर का नाम क्या है यार चेतन भगत चेतन भगत की कहानी थी 5. पॉइंट सम वन और फाइव पॉइंट समथिंग इट वॉज फाइव फाइव पॉइंट सो द थ्री इडियट्स वॉज बेस्ड ऑन अ बुक फाइव पॉइंट सम वन चेतन भगत की तो आ, उस पर बेस्ड है किसी रियल इंसान पे बेस्ड नहीं आगे आगे। मुझे बड़ी खुशी है मुझे बड़ी खुशी है आ, मैं चाहता हूँ कि ये फिल्म ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और मैं चाहता हूँ कि आ, जो जब हम फिल्म टैक्स फ्री करते हैं तो आमतौर पे जो भी टिकट प्राइस होता है औ, औ, और मैंने आ, सारे थिएटरों को रिक्वेस्ट की है कि ये फिल्म में वो टिकट प्राइस बढ़ाए नहीं जो टिकट प्राइस नॉर्मल है वही रखें हर फिल्म के साथ बढ़ती रहती है प्राइस मैंने रिक्वेस्ट किया कि वो ना करें तो लिहाजा जब टैक्स फ्री होगी जिस स्टेट में टैक्स फ्री होगी तो वो प्राइस घट जाएगी कम हो जाएगी और उसका बेनिफिट कंज्यूमर uh, sure. को जाएगा जो टिकट खरीद रहे हैं जो फिल्म देख रहे हैं उनको डायरेक्टली उसका फायदा जाएगा दैट आई एम मेकिंग श्योर जीवन मुझे इतनी जानकारी नहीं है इसके बारे में लेकिन अगर कोई भी स्टेट में आ, स्टेट जो है वो इनक्रेज कर रही है सिनेमा को और फिल्म को तो ये अच्छी बात है आई एम वेरी हैप्पी टू हेयर दैट Amir uh, Kanika here Hi. Hi, from Hi. I Karmic. Hi. Uh, we, there are reports that you are, be, you are celebrating your 11th anniversary with Kiran Ma'am yeah. uh, in Kapanjgani where yeah. you got married. Yeah, so, yeah, what yeah. is the whole idea behind that And Salman is a. I mean, you're missing Salman Khan's birthday. So, Salman's birthday. You know, I'm very bad with birthdays. When is his birthday? 27th December. 27th. Yeah, and your ah. anniversary is on 28th. Haan, every year, there is a problem. सत्ताईस को उनकी बर्थडे होती है अट्ठाइस को मेरी एनिवर्सरी तो मैं जा नहीं पाता हूँ एक दफ़ा गया था मैं सलमान की बर्थडे पे, okay. लेकिन uh, हाँ वी वी कम्पलीटेड इलेवन ईयर्स एंड एक्चुअली वी ट्राई एवरी ईयर वी ट्राई टू गो टू पंचगनी फॉर आर एनिवर्सरी बिकॉज दैट्स वे वी गोट मैरिड उसी घर में हमारी yeah. शादी हुई थी yeah. तो वो जगह हमारे लिए बहुत ही खास है

जी जी और के शो से वो पता नहीं लेकिन मुझे मजा बहुत आता है आलसी होने में आपका पहला सवाल क्या था टैक्स फ्री है तो देखिए यूपी में हमें बड़ी खुशी हुई सुन के टैक्स फ्री हो चुकी है हमारी फिल्म दंगल और आ, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इसका पूरा जो फ़ायदा है टैक्स फ्री होने का वो कंज्यूमर मतलब ऑडियंस को ऑडियंस को ही जाएगा आ, हमने सारे स्टेट्स में मतलब कई स्टेट्स हैं जहाँ टैक्स एग्जेपन के लिए हमने अप्लाई किया है दस बारह स्टेट्स हैं शा, शायद जहाँ डिजनी ने जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है उन्होंने हर जगह अप्लाई किया है जैसे यूपी में भी अप्लाई किया हमने हर जगह अप्लाई किया है और हमें उम्मीद है कि जब आ, जैसे जैसे वो प्रोसेस आगे बढ़ेगा इस फिल्म को टैक्स फ्री हो पाएगी और इसका फ़ायदा कंज्यूमर को होगा इसका फ़ायदा ऑडियंस को होगा कि वो ये फिल्म और सस्ते में देख पाएंगे हम चाहते हैं कि ये फिल्म ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख पाएँ हमें बड़ी खुशी होगी इससे और आलसी का क्या सवाल था सर, मैं मैं जवाब दे दूँ प्लीज़ सॉरी हाँ अच्छा इनको जवाब दे दीजिए सॉरी क्या मैंने चार पाँच साल मैनेज किया तो कितने आलसी मुझे पता है तो आप वो एक आमिर जी का वीडियो है यूट्यूब पे फिट टू फैट

इंसान को आप पर्दे पे लाने की कोशिश करते हैं महावीर सिंह फोगाट का किरदार मैंने किया है और मेरी पूरी कोशिश रही है कि मैं उनके साथ इंसाफ करूं उनके किरदार के साथ इंसाफ करूं उनकी ज़िंदगी के साथ इसाफ़ करूँ सबसे पहले तो मुझे कहानी और स्क्रिप्ट से बहुत मदद मिली और चूंकि महावीर जी और गीता बबीता ने कहानी सुनी हुई थी स्क्रिप्ट सुनी हुई थी उनको भी पसंद आई थी तो मुझे भी तसली थी कि हम जो बनाने जा रहे हैं वो तीनों मतलब पूरी फैमिली को ये अच्छी लगी है कहानी जिस तरह से लिखी गई है डायलॉग लिखे गए हैं इसके अलावा फ़िल्म दरअसल शुरू होने से बहुत पहले मैंने एक एपिसोड किया था स्पोर्ट्स पर सत्यमेव विजयते में और उसमें हमने गीता और बबीता को फ़ीचर किया था उसमें उस एपिसोड में और उसके लिए हमने काफ़ी रिसर्च की थी गीता बबीता और महावीर के बारे में तो मेरी टीम वहाँ बलाली गई थी हरियाणा में और उनके इंटरव्यूज़ लिए तो मैंने करीबन आठ दस घंटे रिसर्च मटेरियल देखा है महावीर जी पे गीता जी गीता और बबीता पे तो मेरी रिसर्च एक्चुअली बहुत कुछ हो चुकी थी जब ये कहानी मेरे पास आई तो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैं सही तरीके से उनका किरदार जो है मैं पर्दे पे लाऊं और मुझे बड़ी आ, मैं उम्मीद से वेट कर रहा हूं कि जब वो फिल्म देखेंगे बीस तारीख को फिल्म देख रहे हैं वो तो मैं जानना चाहूंगा कि उनको कैसी लगी नहीं मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि जिस समय हमने ये स्क्रीन प्ले सुना और जिस समय हमने ये कहानी सुनी हम चाहते थे कि हम जुड़ जाएं ये कहानी लोगों को बताने में और अगर आमिर खान प्रोडक्शंस के साथ में जुड़े तो आपको पता है कि एक तरीके की फिल्म आएगी एक क्रेडिबिलिटी की फिल्म आएगी तो मैं तो यही कहूँगा कि हमारे लिए भी एक बहुत ही बड़ा लर्निंग एक्सपीरियंस है आमिर सर के साथ जुड़ना और काफ़ी सवाल मैं सुन रहा था यहाँ पे बट मैं आपको इतना कह सकता हूँ कि आलसी या नहीं आलसी मुझे नहीं पता मैं आमिर सर को इतना करीबी से नहीं जानता बट इस फिल्म जब से हमने सुनी है और जब तक ये आई है और आएगी और जब तक उसकी जितनी भी डिस्कशंस हुई हैं जो बारीकियों पर ये काम कर रहे हैं और जिस तरीके से अद्वैत इस फिल्म को ड्राइव कर रहे हैं मेरे हिसाब से इट्स एन एक्सपीरियंस दैट वी आर डेफिनेटली लुकिंग आउट फॉर टिल फोर्थ ऑगस्ट मैं भी दो शब्द कह दूँ <laughs> मतलब आपके सवाल से पहले uh, मैं जी के बारे में कहना चाहता हूँ मुझे बड़ी खुशी है कि हम जी के साथ जुड़े हैं इस फिल्म में दंगल uh, में जी म्यूज़िक हमारे साथ जुड़ा है और बहुत ही अच्छा हमारा रिश्ता रहा है बहुत ही अच्छा अच्छी तरीके से ज़ी म्यूज़िक जो है हमारे uh, गानों को uh, पेश कर रहा है लोगों के सामने आई एम रियली हैप्पी अबाउट दैट इट्स बीन अ वंडरफुल एक्सपीरियंस एंड अगेन जी के साथ हमारा वैसे काफ़ी पुराना रिश्ता है हम लोग Uh, हमारी फिल्में जीत पे कई दिखाई गई हैं और उस उस सिलसिले में हम लोगों ने बहुत नज़दीकी से काम किया है तो मुझे बड़ी खुशी है कि हम ये फिल्म साथ में बना रहे हैं और आई थिंक ज़ी इज़ अ वेरी स्ट्रॉग प्लेटफॉर्म तो जो uh, हमें ताकत की ज़रूरत है इस फिल्म को और हर फिल्म को जो होती है ताकत की ज़रूरत वो हमें जी से मिलेगी सो आई एम रियली हैप्पी विद दिस एसोसिएशन फ्रॉम ज़ी

नहीं वाकई मैंने देखी नहीं तो मैं कैसे बताऊँ देखिए डियर जिंदगी जहां तक मेरा ख्याल है जो मैंने प्रोमोज देखे हैं इट इज़ अबाउट अ मॉडर्न गर्ल सिटी गर्ल सही कह रहा हूं मैं हाँ मॉडर्न सिटी गर्ल की कहानी है ये कहानी एक छोटे शहर की है ये लड़की एक छोटे शहर से है बरोडा से है तो इट इज़ अ टोटली डिफरेंट बैकड्रॉप उनका उनकी जिंदगी अलग है उनकी सच्चाई अलग है तो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ वेरी डिफरेंट फिल्म I mean yeah, secret superstar is about a girl's aspiration of being a singer. Yes. Uh, what about uh, uh, secret superstar is uh, what we have seen is like no, about the aspirations of a girl you know who's trying to be a singer huh. and the uh, complications that she faces from his uh, the challenges, she, from faces, challenges yeah. she faces from her family. Hmm. What about your kids? Uh, your son is studying abroad uh, something yeah. related to filmmaking What about their aspirations? Well, he's studying theater, he's studying theater. Okay. he's very interested in theater. And your daughter? My daughter is right now planning not to study. <laughs> she is going my route. Do <laughs> want to join schools? Huh? Of course, I will help them. Why not? Uh, I mean, I will not help them beyond what uh, a normal person should help because if I feel that they are talented and they deserve help, अगर मैं मुझे लगता है कि उनमें talent है और उनको वो deserving है, तब जरूर मैं उनको help करूँगा. अगर मुझे लगता है कि वो deserving नहीं है, तो मैं उनको बताऊँगा भाई कि आप deserving नहीं हैं. तो मैं help उस किस्म की हेल्प नहीं करना चाहूंगा जो मतलब नादान दोस्त नहीं बनना चाहूंगा मैं अपने बच्चों का देखिये जो जो उनसे सीखा है पिछले दस सालों में वो अप्लाई करने की कोशिश की है उनके पास आया हूँ उतना भी नहीं कह पाऊंगा वो जैसे सूरज है मैं कुछ उनका शैडो हूँ अभी आप लोगों के सामने बड़े तमीज़ से बात कर रहे हैं <laughs> इनकी असलियत आप आपको देखना है तो आप मेरे ऑफिस में आइए <laughs> आमिर मेरा लेकिन मैं अद्वैत के बारे में कुछ कहना चाहूँगा अद्वैत बहुत ही टैलेंट लड़के हैं और ये सही है कि वो मेरे साथ दस सालों से साथ में हैं और एक तरह से जो मेरी दो इंटर्न्स हैं इस वक्त फातिमा और सानिया मेरे पहले इंटर्न एक्चुअली अद्वैत रहे ही इज बीन द हु इज ओरिजिनल इंटर्न जो मेरे साथ साथ में रहे हैं हर कदम आ, और मुझे लगता है कि देखिए मैं, मैं कोशिश करता हूं कि जो कुछ मेरे पास है मैं वो शेयर करूं आ, लेकिन आ, हर इंसान पे है कि वो आपसे क्या लेता है क्या नहीं लेता है एंड आई थिंक जब से अद्वैत मेरे साथ काम करना उन्होंने शुरू किया आई फाउंड इट बी वेरी ब्राइट वेरी ब्राइट वेरी इंटेलिजेंट और अक्सर मैं अपने डिसीशन में अद्वैत को शामिल करता हूँ मैं उनकी राय जानना चाहता हूँ तो ही इज़ वेरी ब्राइट एंड गॉट अ लॉट ऑफ पोटेंशियल सो आई थिंक दैट आई एम वेरी हैप्पी फॉर हिम कि ये उनकी पहली फिल्म बन रही है और इतनी अच्छी बनाई है उन्होंने मुझे बड़ी खुशी होती है कि जो ट्रस्ट और फेथ दोनों किरण और मुझे था इनमें ही इज़ कंप्लीटली टू अडॉप्टर दैट आमिर हियर स्लाइटली ट्ड्स योर लेफ्ट हाँ या

सब लोग एक्साइटेड आपकी फिल्म देखने के लिए हाँ सवाल ये है कि कई सारी फिल्में जो रिलीज होनी थी वो उन्होंने डेट अपना एक्सटेंड कर लिया जस्ट बिकॉज ऑफ डी मोनिटाइजेशन की वजह से जी आपको लगता है कि इसकी वजह से आपकी फिल्मों पे कोई असर होगा क्योंकि हम डी मोनिटाइजेशन की वजह से कौन सी फिल्म आगे गई है दो तीन फिल्में नाम बताइए हाँ वजह वजह तुम हो और भी और भी दो तीन फिल्में हैं नहीं अपना, तो नहीं आ, नहीं, नहीं डियर जिंदगी और तो तो आगे आगे और कहानी मेरा सवाल ये है कि हम लोगों को आम जिंदगी में बहुत असर पड़ा है लाइनों में खड़ा रहना पड़ा है नोटिस के लिए क्या आमिर की जिंदगी में कोई असर पड़ा है डी मोनेटाइजेशन की वजह से देखिए मैं झूठ नहीं बताऊंगा आपसे जिंदगी मेरी जिंदगी में बहुत कम फर्क पड़ा है एक तो ये डीमोनेटाइजेशन मेरे ख्याल से उन लोगों को इफेक्ट करता है जो काला धन रखते हैं मेरे पास काला धन बिल्कुल नहीं है मैं सारे अपने टैक्सेस देते आ रहा हूँ आज तक तो मेरे पास काला धन एक रुपया भी नहीं है सो डू थिंक दैट तो मुझे कोई मैं आपको जवाब दे देता हूँ तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा है उस उस हिसाब से आ, दूसरे हिसाब से आ, जो खर्च करने की बात आती है कि मुझे पैसे खर्च करने हैं वो मेरा टैक्स दिया हुआ पैसा है उसको खर्च करना है मुझे मेरे मैं जो जितने मेरे खर्चे हैं वो सारे क्रेडिट कार्ड से होते हैं या मैं चेक देता हूँ तो क्योंकि मेरे पास बैंक अकाउंट है क्रेडिट कार्ड है डेबिट कार्ड है और चेक uh, से मैं देता हूँ तो मुझे uh, ज़ाती तौर पर मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ा लेकिन मुझे अंदाज़ा है कि बहुत सारे लोगों को बहुत तकलीफ हुई है और मैं बहुत सेंसिटिव हूँ इस इस मामले में आई फील सैड बट आई ऑल्सो फील के हमारे प्रधानमंत्री जी ने कोशिश की है और हमें सपोर्ट करना चाहिए उस चीज़ को क्योंकि उनकी नीयत सही है वो चाह रहे हैं कि देश को साफ़ सुथरा बनाएँ तो हमें उसको सपोर्ट करना चाहिए तो आपको लगता है कि कैशलेस होने से देश को फ़र्क पड़ेगा देखिए मैं एक्चुअली इकोनॉमिस्ट हूँ नहीं तो मैं मैं फ़िल्में जानता हूँ फिल्मों के बारे में पूछिए मैं आपको जवाब दूंगा इकोनॉमी के बारे में मैं इतना कह सकता हूँ कि कोई अच्छी कोशिश कर रहा है हमको उसको सपोर्ट करना चाहिए अब वो कितनी सही है कितनी गलत है वो तो आपको इकोनॉमिस्ट बनाए बताएंगे मैं इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ कोई और सवाल लेते हैं आमिर आपकी फिल्म सुपरस्टार मेरा सीक्रेट सुपरस्टार मतलब कोई मेरी जिंदगी में सुपरस्टार हो फोटो <ipple> चाहूंगा यार एक सेल्फी ले लूंगा उसके साथ थैंक यू गाइस थैंक यू सो मच एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू योर रिएक्शन ऑन द ट्वेंटी थर्ड होप यूर लाइक इट थैंक यू सो मच थैंक यू